गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वेलकम टू आन अकेडमी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कल हमने सेल मेम्ब्रेन तक कर लिया था वहां से मेरे को आगे कंटिन्यूड आपको बताना है डेफिनेटली सो टूडेज मेन टॉपिक विल बी एंडो मेब्रेन सिस्टम ठीक है चलिए बेटा आज बहुत सारे सप्राइजेज लॉट ऑफ सरप्राइजेज दिस वीक आन अकेडमी इज प्रोवाइडिंग यू उसके बारे में भी बात करेंगे बट यूट्यूब पे टाइमिंग देख लो यूट्यूब पे टाइमिंग रहेगा हमारा साढ़े ग्यारह बजे फॉर इलेवेंथ क्लास टिल दिसंबर हम इलेवेंथ क्लास पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ क्लास का जो टर्म वन का पेपर होने वाला है दिसंबर में उसके लिए क्लासेस होती हैं मेडा सिक्स थर्टी पी एम साढ़े छः बजे शाम को रेगुलरली मंडे टू सैटरडे ठीक इसके अलावा इसके अलावा हमारे प्लस पे सेशन शुरू हो जाएंगे पंद्रह तारीख से जिसमें पोटोसिंथिस रेस्परेशन एंड प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पाँच बजे होगा रेगुलरली फ्रॉम फिफ्टींथ ऑफ नवम्बर टू थर्टी ऑफ नवंबर ओके एंड लास्ट इज स्पेशल क्लास स्पेशल क्लास रहेगी हर रोज दो बजे उसके अलावा और भी स्पेशल क्लासेस मैंने प्लान किए हैं इस वीक के लिए जिसमें यू कैन कम एंड यू नो रीड एन सी आर टी विद मी या मैराथन क्विज होंगे तो मैं अपने आप ये कम्युनिटी पोस्ट में बता दूंगी प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि कम्युनिटी पोस्ट से आपको पता चल जाए कि कौन से टेस्ट और कब हो रहे हैं इसके अलावा आप अन का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो उस पर भी सारे लिंक्स शेयर किए जाएंगे ठीक अब डमी पे दो टाइप के कोर्सेस एक है प्लस एक आइकॉनिक प्लस में डिटेल थियोरी सेशंस होते हैं इंटरैक्शन होते हैं अ लॉट ऑफ डाउट क्लियरिंग टाइम मिल पाता है हमको वन ऑन वन क्लासरूम जैसे इंटरेक्ट करने के लिए जैसे क्लासरूम में होता था ना टीचर टॉपिक पढ़ाता है फिर क्वेश्चन होते हैं फिर हम आगे जाते हैं तो समथिंग लाइक दैट इज इन प्लस इसके अलावा अगर आपको लगता है कि दैट यू नीड समबडी टू हेल्प यू आउट इन द होल प्रोसेस आपको पूरा टाइम आपको कोई ना कोई साथ चाहिए आपका टाइम टेबल मैनेज कर दे आपका स्कोर ट्रैक कर ले आपको समझाने में काम आ जाए कि क्या केधर कैसे हो रहा है तो इन सब चीजों के लिए भी आइकॉनिक आप जा सकते हो बिकॉज यहाँ पे आपको एक अलग से मेंटोर मिलते हैं एक पर्सनलाइज अटेंशन देने के लिए इंसान अलग से मिलता है ठीक है उसके अलावा हेंड जो आपके सॉलिड क्या नाम है पेपर के नोट्स हैं है ना हार्ड कॉपी ऑफ नोट अनी के वो भी आपके घर तक डिलीवर होंगे इन आइकॉनिक नाउ आइकॉनिक और प्लस दोनों के लिए कोड आपके पास है कोमल लाइफ के ओ एम एल एल आई वीई लाइफ दिस इज द कोड यू यूट टेन परसेंट ऑफ और अब भाई एक मस्त बात आज से फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स टू सेवनटीन ऑफ नवम्बर दस से लेके सत्रह नवंबर सात दिन के लिए ये ऑफर वैलिड है जहां ऑलरेडी टेन परसेंट डिस्काउंट पे चल रहा है प्राइस ठीक टेन परसेंट ऑलरेडी डिस्काउंट है कोमन लाइफ कोड यूज करोगे तो दस परसेंट और मिल जाएगा तो ओवरऑल यू विल बी गेटिंग अराउंड टेन ट्वेंटी परसेंट ऑफ डिस्काउंट ऑन दिस ऑन दिस सब्सक्रिप्शन ठीक है बाकी आप लोग जानते ही हो पंद्रह तारीख से मैं शुरू कर दूंगी फोटोसिंथोसिस प्लस पे पूरा मस्त सारे दोस्तों के साथ आओ एटलीस्ट तीन चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी के बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे कुछ आगे पीछे लेना देना नहीं है ज्यादातर इन चैप्टर्स का इंडिविजुअल चैप्टर्स है आई थिंक वी कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस राइट चलिए सो दिस वैलिड दिस इज वैलिड ओनली टिल सेवनटीन्थ प्लीज इसको जल्दी से जल्दी एनरोल कर लेना एंड दिस इज वेयर वी एंडेड लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करी थी जिसमें हमने बोला था दैट इट इज लिविंग इट इज डायनमिक इट इज सेलेक्टिवली परमेबल इट इज एसिमेट्रिक लास्ट क्लास में सारा कराया है मोजेक और सेमी फ्लूड क्वाजी फ्लूड वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है डी ड्रू दिस डायग्राम जो हमने कल बनाया था जिन बच्चों ने नहीं बनाया है मैं कुछ तीस सेकेंड का टाइम दे रही हूं बना लो इस डायग्राम को और एनसीआरटी तब तक मैं आपको एनसीआरटी का पेज नंबर बता देती हूँ एनसीआरटी पेज नंबर विल बी फॉर दिस चैप्टर हमारे पास पेज नंबर पे आ गए हम ट्वेंटी uh, वन पे ठीक है वन थर्टी वन पेज नंबर पे है मेडा हम इफ यू गाइज रिमेम्बर इट राइट शाबाश तो वी आर ऑलरेडी योर एंड वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिसरी जल्दी से बना लेना बना लिया था ना कल हाँ गुड शाबाश कुछ बच्चे नए भी आते रहते हैं बेटा हर सेशन में आते हैं तो सबका ध्यान रखना है ना ओके okay, बढ़िया ना लेट स्टार्ट लेबलिंग इट एक बार हम स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो हम फंक्शन समझ जाएंगे ठीक है स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों आ जाएगा देखो बेटा ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है दिस इज द लिपिड ये कैसा लिपिड है इट इज अस्फो लिपिड अब फोस्फो लिपिड में क्या है कि इस पूरे स्ट्रक्चर में मैं यहां बना रही हूं दिस इज अड्रोफोबिक टेल इसको पानी से डर लगता है फोबिया मीन्स फियर. वो हाइड्रो इज वॉटर पानी से डरने वाला सो दिस हाइड्रोफोबिक टेल and this is the hydrophilic head hydro philic head ठीक है टेल है और हाइड्रोफिलिक हेड है अब देखो पानी तो सारी जगह रहना ही ना मेजरली सेल के आसपास कहीं ना कहीं आखिर सोल्यूशन रहेगा ही तो ऐसे में मेरे पास जो सेल है उसको उसका ये वाला पोर्शन डर लग रहा है तो ये क्या करता है एक और लेयर अपने आगे लगवा लेता है ये ताकि हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है जो कि डर लगता है जिसको पानी से वो अंदर की तरफ हो जाए और जो बाहर लगे हुए हैं इनको पानी से डर नहीं लगता इनको पानी पसंद है तो उसको उसकी तरफ फेस कर ले तो एक लेयर बन जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसलिए हम जानते हैं कि सेल है वरना तो सेल हो या ना हो मुझे कैसे पता चलेगा बिकॉज ऑफ दिस मेम्ब्रेन आई नो दैट दिस इज अ कन्फाइंड एरिया और दिस इज कॉल्ड अ सेल ठीक है अब देखो वही बात हो गई ना जैसे चार दिवारी है तो पता है घर है वरना खुले जमीन में रह रहे हो तो कैसे पता चलेगा कि मेरा घर कहां और मेरी लाइन कहाँ ठीक सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ बाउंड्री ऑफ द सेल ना इस फॉस्फोलिपिड वाले पार्ट को हम कहते हैं नॉन पोलर इट इज नॉन पोलर पानी से डर रहा है ना नॉन पोलर या डिफरेंट पार्ट्स को बोलो पूरे को मत बोलो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट इज पोलर क्योंकि पानी से इंटरेक्ट करेगा एंड हाइड्रोफोबिक टेल इज नॉन पोलर बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू इंटरेक्ट विद वॉटर क्लियर यहां तक क्लियर यहां तक नाउ द स्ट्रक्चर दैट यू हैव फॉस्फोलिपिड है लेर एक ऊपर है एक नीचे है दिस टुगेदर इज नोन एज अ फॉस्फोलिपिड बाय लेयर और बायलेयर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन है है। आपकी सेल अगर कोई आपको बोलता है अकेला एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता अगर मैं आपको बोलूं सिर्फ ऊपर वाला लेयर एग्जिस्ट कर रहा है कैसे करेगा भाई अंदर की तरफ पानी है साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म में पानी आएगा ये बेचारा कैसे इंटरेक्ट करेगा उसके साथ टू फॉर्म अ लेयर आई नीड टू हैव अ फॉस्फोलिपिड बाय लेयर अगर मैं बोलती हूँ सिंगल में पूरे दोनों एक साथ ठीक है दिस इज अंगल में डबल मेंबरेन बोला तो एक ये और ऐसा ही एक और राइट बिकॉज इंडिविजुअली दिस केन नॉट एग्जिस्ट दिस दिस हाउ विल इट एग्जिस्ट क्योंकि दोनों तरफ तो पानी है चाहे आप बाहर ले लो चाहे वो आप अंदर की तरफ ले लो सेल के राइट तो दिस इज नोन एज फॉस्फोलिपिड बाय ले ठीक है ये पूरा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हो गया डन ना फॉस्फोलिपिड बायलेयर के अंदर एम्बेडेड होते हैं कुछ प्रोटीन तो बायलेयर लिपिड की क्या कर रही है एक डिविजन बना रही है एक आपके लिए आ, कह सकते हो मेम्ब्रेन एक दीवार जैसे एक्ट कर रही है उसके अंदर हमने गेट लगाए हैं दरवाजे लगाए हैं ठीक है अब दरवाजे भी होते हैं खिड़कियां भी होती है आपके दीवार के अंदर तो दीवार इज योर लिपिड फॉस्फोलिपिड बाय उसमें दरवाजा है जिसके थ्रू आप आ जा सकते हो बड़े आराम से ठीक है और छोटी छोटी खिड़कियां हैं जिसके थ्रू बस चिल्ला के ओए उधर था उसको उसने टक्कर मार दिया ये काम करना है ठीक तो खिड़कियां आर फॉर इंटरैक्शन वेर एज दीवार दरवाजा इज फॉर क्रॉसिंग कंप्लीटली तो यहां देखो दो तरीके के प्रोटीन बनाए हैं मैंने एक जो बस ऊपर सुपरफिशियली थोड़ा अटैच्ड है ठीक है एंड वेर एज दिस इज कंप्लीटली एम्बेडेड कंप्लीटली एम्बेडेड ये पार्शली एम्बेडेड ये कंप्लीटली एम्बेडेड दोनों के दोनों में ठूसे हुए हैं मैंने ठीक है ऐसे प्रोटीन्स को हम कहते हैं इंटीग्रल या ट्रांस मेंब्रेन प्रोटीन ये अंदर धसे हुए हैं मेमब्रेन में घुसे हुए हैं इनको निकालना बड़ा मुश्किल है ये एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके लिए मुझे पूरा मेम्ब्रेन खोलना पड़ेगा आई विल हैव टू ओपन द होल मेंब्रेन टू एक्सट्रैक्ट दीज प्रोटीन आउट इंटीग्रल और ट्रांस मेमब्रेन प्रोटीन्स क्योंकि पूरे प्रोटीन के लेयर को अंदर बाहर स्पैन कर रहा है ये अब एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती है बेटा यहाँ पे देखो ये जो फॉस्फोलिपिड लेयर था ना कभी कभार क्या होता है चलो ये सोच के देखो अब टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दीवार अगेन ठीक आपके पास कुछ अजीब अजीब पेंट्स के ऐड आते हैं अल्ट्रा प्रोटेक्ट वेदर प्रोटेक्शन धूल नहीं जमेगी ये वो है ना वो पेंट किसके लिए है घर की बाहर वाली दीवारों के लिए माय गॉड आई साउंड लाइक पूरा एडवर्टीजमेंट वाला इंसान है ना घर की बाहर की दीवारों को प्रोटेक्ट करे राइट आउटर वॉल्स क्यों क्योंकि बाहर वाली जो वॉल्स हैं आपके घर की वो ज्यादा ओपन है टू दी एनवायरमेंटल कंडीशन बारिश है ओले भी पड़ सकते हैं है ना धूल मिट्टी तो बाहर वाला जो है आपका लेयर वो ज्यादा झेल रहा है एनवायरमेंट को कंपेयर टू द वॉल्स दैट आर वर्ल्ड इन साइड ऑफ योर हाउस अंदर की तरह जो दीवार है उस पर पे जो पेंट लग रहा है वो इतना नहीं झेल रहा है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है आपका इंटरनली मेनटेन्ड है कि नहीं तो जो पेंट आप घर के अंदर वाली दीवारों पे करते हो वही पेंट आप बाहर वाली दीवार पे नहीं करते हो सो लेट्स सपोज दैट दिस इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द मेम्रेन ये एक्सटर्नल पार्ट है और ये इंटरनल पार्ट है मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ ठीक इधर की तरफ क्या होगा इंटरनल बोला तो ये साइटोप्लाज्म को फेस कर रहा है साइटोसोल भी बोलते हैं हम उसको एंड दिस इज आउटसाइड समझने पे ज्यादा ध्यान देना लिखा हुआ सब कुछ है किताब में अब आउटसाइड वाली जो पार्ट है जो एनवायरमेंट से इंट्रैक्ट कर रहा है उसमें जो फॉस्फोलिपिड और मेम्ब्रेन और प्रोटीन वगैरह होंगे बेटा ये वाला साइड सोच के देखो स इज सपोज टू बी डिफरेंट है कि नहीं कॉमेंट सेक्शन में आप चार्ट सेक्शन में खुद बताओ मुझे कि दिस पार्ट शुड भी डिफरेंट और नॉट कंपेयर टू द इनर पार्ट साइटोप्लाज्म को जो फेस कर रहा है उसमें जो मैंने फॉस्फोलिपेड लगाए हैं और प्रोटीन का हिस्सा जो अंदर को फेस करता है उसमें और जो बाहर को फेस कर रहा है उसमें डिफरेंस होगा कि नहीं होगा आप घर में जो कपड़े पहन के बैठते हो क्या वही पहन के बाहर चले जाते हो नहीं जब आप बाहर जाते हो तो अलग कपड़े पहन के जाते हो बिकॉज द इन्वायरमेंटल कंडीशन आर डिफरेंट टू वॉट यू वेरिंग एट होम है ना तो होगा क्या कभी कभार गलती से वेरी रेयरली आई एम सी दिस वेरी रेयरली वन एन थाउजेंड टेन थाउजेंड ऐसी कंडीशन में क्या होता है सामान तो अंदर से बन के जा रहा है सेल अंदर से सामान बनाता है और प्लाज्मा इमरइन को भेजता रहता है ठीक है भेजता जाएगा भेजता जाएगा कभी कभी ऐसा हो जाएगा बाहर वाला प्रोटीन अंदर अंदर वाला सॉरी लिप्ड बाहर वाला लिपिड अंदर लगा हुआ है अंदर वाला लिपिड बाहर लगा हुआ है तो ऐसे में ना ये लिपिड को यहां से यहां कर सकता है समझो वो अंदर वाला लिपिड बाहर फेंक देगा और बाहर वाला अंदर ले आएगा रेयरली ऐसा होता है बट हो सकता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड्स दैट वी सी इज फॉस्फोग्लिसराइड्स मेंब्रेन में अब ऐसा छोटा मोटा फ्लिप फ्लॉप कर लेता है बहुत रेयरली करता है लेकिन इट मे शो फॉस्फोलिपिड्स मे शो फ्लिप फ्लिप फ्लॉप अरे यार फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बट वेरी रेयरली ठीक है मूवमेंट रेयरली होता है मेशो मेशो मतलब जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा होगा कभी कभी ये पॉसिबिलिटी है कूल cool. ना प्रोटीन को देखो इतना बड़ा प्रोटीन मैं अंदर से बाहर कर दूं और बाहर से अंदर कर दूं घुमा दो पूरे को कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा ये पेंट अंदर बाहर कैसा कर रहे हैं वो डिफरेंस हो सकता है लेकिन क्या मैं दरवाजे को ऊपर नीचे कर सकती हूं दैट इज जस्ट प्योर नॉनसेंस क्योंकि वो इतनी एनर्जी ले जाएगा आपकी इतनी एनर्जी ले जाएगा प्लस जो बाहर को फेसिंग है वो अलग पार्ट है जो अंदर को फेसिंग है प्रोटीन वो अलग पार्ट है और आप जानते हो प्रोटीन कितना सेंसिटिव है टू टेम्परेचर एंड पीएच अगर मैंने डायरेक्शन चेंज करी तो उसका टेम्परेचर पीएच बदलता है जिसकी वजह से डीचुरेशन ऑफ प्रोटीन मेकिंग सेंस कनेक्ट हो रही है ना बात लॉजिकली लॉजिकलॉप शो करता है, यह है flip -flop नहीं शो करता है तो मेक सम सेंस आउट समा वाई इज इट नॉट शोइंग फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट प्रोटीन विल नॉट शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्योंकि एक तो इतना बड़ा है इतने बड़े स्ट्रक्चर को उल्टा पुलटा घुमाना इज अ बिग डील्यूज डील लॉट ऑफ एनर्जी विल बी यूज ऊपर से मेम्ब्रेन का तो जो कचरा होगा वो होगा ही इतना बड़ा स्ट्रक्चर अंदर गोल में टोल हो जा रहा है प्लस बाहर को फेसिंग पार्ट इज डिफरेंट अंदर को फेसिंग पार्ट इज डिफरेंट हेंस प्रोटीन नेवर शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट प्रोटीन नेवर शो फ्लिप ट मैम लेकिन हमने तो सुना है कि मूव कर सकता है मूव कर सकता है फ्लिप फ्लॉप शो कर सकता है नहीं मूव कर सकता है मूव कैसे कर सकता है लेट्स ब्रिंग इन ग्रूट अगेन हा ये देखो ये हमारा प्रोटीन ओके ना प्रोटीन कैन गो लेफ्ट राइट हाँ जिसको दिस इज कॉल्ड एज लेट्रल मूवमेंट ऐसे ऐसे जा सकता है ये आई कैन गो लेफ्ट राइट नाउ इट कैन ऑल्सो गो गोल गोल घूम लो गोल गोल घूमना अलाउड है तुमको ठीक है गोल गोल घूमना अलाउड है दिस इज कॉल्ड एज रोटेशन ये रोटेट रोटेटिंग ठीक है गोल गोल घूमना अलाउड है लेटरल जाना अलाउड है गोल घूमना अलाउड है लेकिन सोचो बेचारा ग्रूट ऐसे ऐसे चलना बढ़िया है ये अलाउड नहीं है दिस इज फ्लिप फ्लॉप नीचे का पैर ऊपर सिर नीचे आप भी आप भी ऐसे ऐसे जा सकते हो ना यू मूव लेफ्ट एंड राइट यू मूव राउंड एंड राउंड ये पॉसिबल है आपके लिए घूमना लेकिन आप बार बार अपना सिर नीचे पैर ऊपर करके चलते हो गए बार बार नहीं शीर्षासन नहीं करते होना भी नहीं यादों से तो बट इमेजिन दी दैट यूल रिक्वायर फॉर फॉर दैट ठीक है तो इन चीजों को थोड़ा लॉजिकली समझो लिख लिया जो बोर्ड पर लिखा है ज माई पॉइंट क्लियर ठीक है तो फॉस्फोलिपिड्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्टली दैट वी सी इज मोस्टली द इपिट्स दैट वी सी इज फॉस्फो ग्लिसराइड्स डो नॉट शो फ्लिप फॉप मूव वेरी रेयरली शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट प्रोटीनवर शो फ्लिप्लॉप मूवमेंट इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शली और कंप्लीटली इम्बेडेड इंबेडिड इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेर ठीक है अब ये तो मैंने फिर भी काफी अंदर दिखा दिया तो ये इंटीग्रल प्रोटीन्स में ही आ जाता है लेकिन जैसे अगर आप इमेजिन करो सिर्फ सुपरफिशियली ऊपर ऊपर भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी के ऊपर अटैच कर देते हैं हा? जैसे लेट्स लेट्स जस्ट एड टू इट इट्स ये क्या करते हैं सिग्नलिंग वगैरह के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा ये वाले प्रोटीन्स ना दे मोर रिक्वायर्ड फॉर सिग्नलिंग एंड वेरियस अदर एक्टिविटीज इजी टू रिमूव ऑल्सो इसको किधर लेके जाए पेरीफिन प्रोटीन्स और दे आर आल्सो नोन एज एक्सट्रिंसिक पहले मुझे इसका मेरे को भी यही लगता था कि यही वाला शायद इंटेंसिकायदेंसिक है बट नहीं पेरीफ्रेल प्रोटीन आर वेरी सुपरफिशियली अटैच बहुत सुपरफिशियली ऊपर अटैच होते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर घुसते ही नहीं है ठीक है उनको कोई होल्ड कर रहा होगा मेम्ब्रेन का कोई पार्ट है या किसी प्रोटीन के साथ अटैचमेंट में कोई पकड़े हुए हैं उसको पीछे से और वो सिर्फ सर्फिस पे है तो आर वेरी ईजी टू रिमूव तो मैंने किस बेसिस पे बोला बेटा एक्सट्रेंसिक इंट्रेंसिक या इंटीग्रल या फिर ट्रांसमेंब्रेन और ये सारा चीजें मैंने किस बात पे बोली है आई एम दिस ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन अगर मैं मेम्ब्रेन फाड़ दूंगी तो निकलेगा ये वाला प्रोटीन बाहर जबकि सुपरफिशियली जो अटैच है जो पेरीफिरल प्रोटीन है वो आराम से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग द मेम्ब्रेन राइट काम क्या आएगा मेम्ब्रेन को अगर कोई क्रॉस करना चाहता है तो तो भाई यही चाहिए मुझको बिकॉज दिस इज वॉट इज अलाउंग थिंग्स टू पास थ्रू इट अगर कोई चीज मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म से बाहर जाना चाहती है बाहर से साइटोप्लाज्म में आना चाहती है देन आई विल हैव टू टेक केयर ऑफ वट टेक दिस पाथ कौन सा पाथ फॉस्फोल ये ट्रांस ट्रांसमेंब्रेन वाला पाथ लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो सिर्फ बताना चाहती है कि मैं हूं जैसे आपने एक खबरी घर के बाहर छोड़ दिया है ठीक है <coughs> अंदर पार्टी पिज्जा पार्टी चल रही है एकदम ठीक छोटे भाई को लगा दिया दरवाजे पे मम्मी आई है तू बताएगा पहले ठीक है पिज्जा बाटो बैप से बाढ़ छोटा भाई बेचारा दीवार में बता रहा दीवार के देख रहा है मम्मी आई हो आ गई मम्मी जैसे स्कूल में भी होता था प्रिंसिपल आ गई है वो वाला काम अब क्या कर रहा है सिग्नलिंग बाहर के एन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज आता है बाहर की सिचुएशन में कोई भी चेंज आता है उसका सिग्नल अंदर वाले प्रोटीन को बताना वो चेंज करेगा वो पास ऑन करेगा सो इट्स लाइक अ कैस्केड एक के बाद के एक के बाद एक के बाद एक इफेक्ट धड़ धड़ धड़धर धड़ धर धड़ फटाफट से इफेक्ट आएगा पेरिफेरल so, प्रोटीन्स, ठीक अब हाँ आता है एक और चीज मस्त पूरे मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हुए हमारे पास पहुंचेंगे कुछ कोलेस्ट्रॉल ड्रॉपलेट्स ये दिखता ही नहीं कलर यार। कोलेस्ट्रॉल ड्रॉपलेट्स they provide stability to the membrane. इसका ध्यान रखना ये ना हम बायो क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में जाएंगे तब ये पॉइंट एक बार दोबारा रिपीट होगा बेटा ठीक है तो कोलेस्ट्रॉल ड्रॉपलेट्स आर प्रोवाइडिंग यू मोर स्टेबिलिटी टू द सेल वॉल क्यों चाहिए स्टेबिलिटी नहीं तो खुल जाएगा बेटा सारा का सारा सेल वॉल और हो गया काम तमाम तुम्हें पता है सेल वॉल गया तो सारा गया क्लियर hmm. चलो अब आते हैं आगे अगला पॉइंट अगला पॉइंट इसी मेम्ब्रेन में से आप मेरे को पता नहीं कितने बच्चे यहां पे चलो जल्दी से एक बार पोल कर लेते हैं चार्ट सेक्शन में हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर ग्राम स्टेनिंग ग्राम स्टेनिंग समझाते टाइम मैंने आपको कुछ या ग्राम स्टेनिंग भी नहीं पहला प्रो कैरियोटिक सेल समझाया था

बाहर की तरफ आपके पास कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स प्रिट्रूट कर रहे होते हैं याद है आपको बताई गई थी ये बात कि ग्रीन कलर के झंडे ऑरेंज कलर के झंडे ब्लू कलर के झंडे अलग अलग झंडे सो दिस इज नथिंग बट दो कार्बोहाइड्रेट सॉरी शुगर शुगर ही कार्बोहाइड्रेट ही हो गया शुगर मॉलिक्यूल्स प्रिट्रूडिंग आउट जिसको आपके एनसीआरटी ने जो लेबल किया है ऑलिगोस के नाम से किया है के नाम से किया हुआ है ठीक है ऑलिगो आर शुगर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाले तरफ ऐसे निकली होती हैं क्या करती है ये ये इंटरेक्ट करते हैं आपके इम्यून इम्यून सेल्स के साथ ज्यादातर इम्यून सेल बोला आपने जैसे है भाई बहुत ये है, कूल है चलो आगे जैसे इसमें कुछ झोल दिखा ये अपना नहीं है इसमें ये सेल इस ऐसा कभी प्रोटीन मेरे को कभी ऐसा कोई शुगर लगा हुआ नहीं दिखा भाई ये कुछ अलग शुगर है तुम मार दो इस सेल को ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है आपकी इम्यूनिटी भूल जाती है कि भाई अपना ही था योर ऑटो इम्यून ऑटो इम्यून डिजीज के सुने है ना तुम लोगों ने क्या करता है ऑटो इम्यून डिजीज आपकी इम्यूनिटी पगला जाती है इम्यूनिटी बोलती है मैं नहीं जानता ये हरे रंग के झंडे किसने लगाए यहां तो आप ही के सेल्स को मारने लगेगा ठीक है तो ये क्या कर रहा है कोई ऐसी चीज जो इम्यून रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में ट्रिगर कर दे समथिंग दैट ट्रिगर्स एन इम्यून रिस्पॉन्स इन योर बॉडी इज नोन एज एंटीजन एंटीजन ट्रिगर्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज है ना तो हमारे पास जो ये शुगर्स लगे हुए हैं आर बॉडी नोज अबाउट इट जैसे बहुत क्लासिक एग्जाम्पल एक लेते हैं ब्लड ग्रुप का आपकी बॉडी को कैसे पता चलता है कि ए ब्लड ग्रुप है अपना और बी ब्लड ग्रुप नहीं है अपना बोलते हैं ना अगर गलत टाइप का खून चढ़ा दे तो मर जाओगे अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है और आपका ब्लड ग्रुप ए है और आपका खून मेरे अंदर डाल दिया मेरी बॉडी को कैसे पता चलेगा वो थोड़ी पढ़ सकता है नो हाउ हाउ टू रीड एंड राइट बट वेरी इंटेलिजेंट केमिकल माई इम्यूनिटी नोज कि इसके सारे ब्लड सेल्स के ऊपर बी वाला शुगर लगा हुआ है अब जैसे मेरे ब्लड स्ट्रीम में ए शुगर आने लगेगा मेरे इम्यून सेल्स हो जाएंगे पगला जाएंगे बोले ये क्या चीज है भाई अपना तो कभी था नहीं ऐसा कुछ मारो सो so, मारो में वो रिस्पॉन्स जो ट्रिगर हुआ उससे आपका प्रोटीन सारा क्लंप करने लगेगा ब्लड एंटीबॉडी बनने लगेगी उस एंटीजन के खिलाफ जो आपकी बॉडी में कभी नहीं था बी आपकी बॉडी में कभी नहीं था ए आपकी बॉडी में कभी नहीं था तो उसको मारने लगेंगे ठीक है सो समथिंग लाइक दैट सो दीज आर एक्टिंग एज नथिंग बट एंटीजन एंटीजन मेरी बॉडी में कोई रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट कर रहा क्योंकि मैं उसके साथ पैदा हुई हूं लेकिन अगर मेरी बॉडी का वो सेल आपकी बॉडी में डाल दिया जाए आपकी ब्लड स्ट्रीम में घुसेगा उसको तुरंत पता चलेगा वो तुरंत उसको मारेगा और अगर नहीं मार पा रहा है तो फिर गड़बड़ है तो फिर वो तो घर का बेदी लंका ढाई हो गया बेचारा गया आपका बॉडी जबा 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 बोला तेरा ही था मैं मेरे को का मारा। <laughs> मेरे को काहे मारा ठीक है साइटोसोल की तरफ नहीं हो सकते ज्यादातर नहीं होते हैं बेटा लेकिन इंटरैक्शन के लिए कभी कभार सम भी बट ऑलीगोराज यूजली फेसिंग टुवर्ड्स द आउटसाइड, इंटरनल फेसिंग बहुत कम होती है ठीक है okay? क्लियर यहां तक यो डन प्लाज्मा एम्ब्रेन के बारे में क्या तुम सब अब जानते हो सब आप जानते हो फंक्शन लिख लें राइट डाउन द फंक्शन् पीछे लिख रही हूं मैं इधर सेवंथ पॉइंट ठीक है राइटिंग इन द सेवेंथ पॉइंट फंक्शंस फंक्शन ऑफ प्लाज्मा वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन काफी सारे आएंगे तो अगर पीछे जगह नहीं है तो आगे लिख लेना नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेना फंक्शनोन अ वेरी इंटरेस्टिंग फर्स्ट फंक्शन दैट वी है इस जो मैंने आपको पहले ही बताया था बड़ा सा शब्द कम्पार्ट लाइज कंपार्टमेंटलाइजेशन कंपार्टमेंट बनाना एक एरिया डिफाइन करना कि इसके अंदर वाला पार्ट भाई सेल है बाहर एनवायरमेंट एनवायरमेंट है ये सेल है अपना ठीक है सो दैट इज कंपार्टमेंटलाइजेशन तो एक पेरीफेरी बना देना एक बाउंड्री बना देना ये प्लाज्मा का सबसे पहला काम दूसरा इंटरैक्शन बिटवीन या इंटरैक्शन नॉर्मल लिख लो एनवायरमेंट के साथ अब आप देखो जो ये सैंडविच मॉडल्स थे हमारे पास याद है इनकी बात की सैंडविच मॉडल में बड़े मॉडल्स दिए थे हमको कि प्रोटीन का एक पूरा पूरा लेयर लिपिड के दो लेयर और पूरा प्रोटीन का लेयर ये सैंडविच बन गया ये डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहा कि कैसे मेरा मेमब्रेन इतना इंटरेक्ट कर पाता है हाउ इज इट सो फ्लूइड हाउ इज इट इंक्रीजिंग वॉट इज दिस इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट कैसे चीजें बाहर जा रही है कैसे चीजें अंदर आ रही है इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन तो इसकी तो बैंड बजनी थी जब फंक्शन मैं जानती हूँ और स्ट्रक्चर मैं ऐसा दे रही हूँ जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है ऑलवेज दर विल बी अ रिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं और ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक uh, कम्युनिटी में ऐसी बहुत चीजें रही हैं जिसमें हमें स्ट्रक्चर पता है हमने फंक्शन बता दिया और फंक्शन बाद में प्रूफ हुआ ठीक है लेटर इट बिकम्स योर प्रूफ कि हाँ देखो यही था ठीक है बिकॉज बिकॉज यू लुक एट स्ट्रक्चर यू कैन ईजिली टेल की क्या काम कर रहा होगा है ना हथौड़े को देख के क्या बोलोगे इससे क्या खाना बनाते हैं स्ट्रक्चर देख रहे हो ना तो स्ट्रक्चर से फंक्शन समझ में आता है बहुत हद तक इंटरैक्शन इंटरेक्शन करने के लिए इसको ज्यादातर चाहिए होता है बेटा प्रोटीन्स ठीक अब इंटरैक्शन प्रोटीन्स के लिए इट हैज टू इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट क्या अंदर बाहर चीजों का अंदर बाहर लेके जाना आना आदान प्रदान ट्रांसपोर्ट नाउ ट्रांसपोर्ट इज हेल्प बाय मेजरली ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो पूरे मेम्ब्रेन को स्पैन करते हैं ऐसे में दो तरीके के ट्रांसपोर्ट होता है एक पैसिव एंड द अदर इज एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें एनर्जी नहीं लगती फ्यू पॉइंट्स अबाउट पैसिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट पॉइंट नंबर 1 अलोंग द कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब पानी है उससे उधर तरफ आ रहा है जिस तरफ कम पानी है तो यह अपने आप होगा इसमें मुझे कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है सो दिस इज अलोंग देशन हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डाउन हिल अपने आप जाएगी ना चीज आप जब किसी पहाड़ से नीचे उतर रहे होते हो अगर आप ना रोको अपने आप को तो खुद लुढ़कते आओगे नीचे बिना किसी एनर्जी लगाए नो एनर्जी यूज वॉट इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काफी बच्चों को नया वर्ड लगेगा ग्रेडियंट का मतलब होता है बेटा डिफरेंस या एक्सपेक्ट्रम ऑफ डिफरेंस ठीक है ज्यादा से कम कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में आपके पास दिवाली पे आए दो मिठाई के डब्बे ठीक है या दो चॉकलेट चॉकलेट मिठाई तो पता नहीं आई लाइक मिठाई बट जो भी तुम्हें पसंद आए तुम्हारे पास आए दो चॉकलेट के डब्बे ठीक है तुम्हारे फ्रेंड्स ने दिया तुमको तुम्हारे भाई के फ्रेंड्स ने तुमको उसको दिया एक चॉकलेट का डब्बा सो द डिफरेंस इज ऑफ वन ठीक है चलेगा नॉट एन इशू या, या फिर दूसरे डब्बे को आधा आधा कर लेंगे ठीक है अगर अच्छे भाई बहन है नहीं है तो ज्यादा कितना ही चढ़ा लेगा एक डब्बे के लिए चढ़ा लेगा ठीक कोई बट इमेजिन करो कि सामने वाले के पास बीस चॉकलेट के डब्बे आए और तुम्हारे पास एक आया अब ज्यादा दिल में जलन दिल को ज्यादा दुख होगा ना और लूटने का भी बहुत ज्यादा मन करेगा ऐसा लगेगा हाय यहां तो रेड मारनी पड़ेगी इसके पास तो बीस डब्बे मेरे पास एक डब्बा है दिस इज नॉट फेयर तो द चांसेस ऑफ दूटोइंग फ्रॉम देयर आर हायर तो मूव करने का चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ठीक है फ्रॉम टू अपने आप होने वाला है ये काम दूसरा और कुछ नहीं तो पापा मम्मी बीच में एंट्री मार देंगे बोले बेटा दे दे एक दो डब्बे और अपने छोटे भाई को ए, बड़े गलत टाइम पे आते पापा मम्मी ये एडवोकेट बन गए ठीक अगला एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अगेंस्ट सारे उल्टे पॉइंट आएंगे पीछे वाले के अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ठीक है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन उल्टा लेके जा रहे हो आप तो ऑब्वियसली वी आर मूविंग अप हिल एंड फोर्थ पॉइंट एट पी इज यूज एनर्जी इज यूज एनर्जी यूज होगी ठीक है एनर्जी इज गोइंग टू बी यूज फॉर दिस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर ठीक बेटा जी कुल कुल नाम चलो नेक्स्ट मूविंग अहेड पॉइंट नंबर थ्री थ्री सी यहां पे आ जाओ पॉइंट नंबर थ्री अब मेम्ब्रेन का ना बड़ा इंपॉर्टेंट है चीजों को अंदर लेके भैया बैठे गार्ड भैया वही बताएंगे आपको इतने लोग है, में कोई था, है, ये है, वो है तो वो आपको पूरा का पूरा मूविंग इन एंड मूविंग आउट एवरीबडी गार्ड भैया नोज एवरी थिंग अबाउट इट कौन आ रहा है कौन जा रहा है तुम्हारी सोसाइटी में है चाहे तुम्हारे कोचिंग सेंटर में चाहे तुम्हारे स्कूल में है ज अ गार्ड पोस्ट जो जानता है कि क्या चीज आए क्या नहीं आई तो मेम्रेन ऑफ kind of वैसे एक्ट कर रहा है क्या चीज अंदर जाएगी क्या चीज नहीं जाएगी ठीक ऐसे में प्रोसेस इन चीजों को अंदर लाना एंडो मतलब अंदर साइटोसिस सेल के अंदर लेके आने का प्रोसेस एंडोसाइटोसिस एंडोमीन्स इन साइड साइटोसिस सेल को अंदर लेके आना ठीक है एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर लेके आना है दो चीजों का हो सकता है या तो आप कुछ खा रहे हो या आप कुछ पी रहे हो ठीक है सेल इज समथिंग और इट इज ड्रिंकिंग समथिंग तो अगर कुछ सॉलिड पार्टिकल आ रहा है फूड पार्टिकल आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं कुछ पीने को आ रहा है तो पिनोसाइटोसिस ठीक है फैगोसाइटोसिस इज फूड पार्टिकल पीनोसाइटोसिस ड्रॉपलेट्स जैसे इधर देखो ये मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये खाने का कुछ मटेरियल मान लो कोई शुगर वगैरह है ये ऐसे बेंड कर जाएगा एंड अंदर ठीक है अगला पीनोसाइटोसिस इमेजिन करो आपके ब्लड स्ट्रीम से सेल्स इंसुलिन उठा रहे हैं आपके सारे हॉर्मोन्स एंड एवरीथिंग इज ड्रॉप इन टू स्ट्रीम तो उसको उठा रहे हैं चलो अब अगर बाहर वाटर ऐसे लिक्विड ड्रॉपलेट्स है तो उसके लिए भी सेम मैकेनिज्म किया जाएगा अंदर की तरफ एक वेसिकल बनाया जाएगा और उसको फिर अंदर रिलीज करा दिया जाएगा सेल के जिस भी कंपार्टमेंट में आप उसको चाहिए वहां भेज देंगे कूल cool? आज दो बजे की क्लास में आना भूलना नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के क्वेश्चंस कराऊंगी मैं जो भी गायब हुआ पिटेगा क्लास में नहीं आया तो मार पड़ेगी ठीक है बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट दिस इज एंडोसाइटोसिस सी पॉइंट था डी पॉइंट एक्सोसाइटोसिस एक्सो साइटोसिस आई वॉन्ट टू थ्रो समथिंग आउट ऑफ द बॉडी सेल में से कुछ चीज बाहर निकालनी है क्या निकालना होगा वेस्ट प्रोडक्ट तो वेस्ट प्रोडक्ट को अगर आप बाहर निकालना चाहते हो तो ऐसा ही पाथ में उल्टा चलने वाला है बस मैं इधर की तरफ फेसिंग बना रही हूं अब ठीक है अंदर कोई वेसिकल था जिसमें कचरा अच्छा भरा हुआ है वेस्ट, पार्टिकल, आपके किसी वेस्ट जैसा है ठीक है तो इट विल काइंड ऑफ मूव लाइक दिस ठीक ल मेम्बरेन द मेन फंक्शन ऑफ योर सेल मेम्बरेन क्लियर टेयर एन सी आर टी में कुछ अलग तो नहीं दिया है देख लो कोई पॉइंट हाँ एनसीआर टी में एक डेटा दिया हुआ है और लिखना चाहो तो वन एग्जाम्पल इज गिवन एंड देट इज ऑफ आर बी सीज आरबीसी के लिए दिया हुआ है आपको फिफ्टी टू परसेंट प्रोटीन है एंड फोर्टी परसेंट लिपिड इस पर क्वेश्चन आ चुका है और ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा भी है तो कोई भी एनसीआरटी डेटा नहीं छोड़ोगे बेटा नो एनसीआरटी डेटा यू टू लीव एड ऑल किसी भी हाल में ओके क्लियर है यहां तक नाउ मूविंग टू एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो आज की हमारी हेडिंग थी <laughs> ऐसा होता रहता है टॉपिक डिटेल में जाएंगे तो ऐसा टाइम लगेगा चलो मूविंग टू द मेन इंपॉर्टेंट अगेन अनदर टॉपिक एंडो मेमब्रेन सिस्टम सुन लो मेरी बात कभी भी मैं कोई भी बायो मेमब्रेन की बात करूं एनी मेम्ब्रेन दैट आई टॉक अबाउट मैंने बोला एम सिंगल मेम्ब्रेन है डबल मेम्ब्रेन है मेम्ब्रेन नहीं है मेम्ब्रेन 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 बोलते दिमाग में खोपड़ी में ये डायग्राम आना चाहिए दिस इज द मेम्ब्रेन वी आर टॉकिंग अबाउट किसी भी कंडीशन में सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन है वो ऐसा ही होगा ठीक है और कोई तरीका नहीं है बाकी आठ परसेंट क्या है ये नाइस क्वेश्चन बाकी आठ परसेंट में आपके ऑलिगोसैक्राइड आते हैं कुछ आपके कोलेस्ट्रोल ड्रॉपलेट्स आते हैं ये सारी चीजें आ जाएंगी बेटा बाकी आठ परसेंट में ओके okay. mm -hmm. तो मैं वो भी एड करा देती हूँ आज की क्लास जो आपकी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्लाइंग प्लांट्स की क्लास चल सिस्टम ओ शाबाश एंडो सिस्टम एंडो मीन्स इनसाइड है ना तो ऐसा मेम्ब्रेन का सिस्टम जो सेल के अंदर बना हुआ है अ होल नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स इंटरकनेक्टेड सेल्स जो आपस में इतना मस्त इंटरकनेक्टेड है दैट दे आर फॉर्मिंग अ होल सिस्टम अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से सुनो खोपड़ी इधर फोकस इधर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हमारे पास आते हैं चार ऑर्गेनलीज ठीक है काफी इंटरकनेक्टेड काम है इनका इसलिए हम इनको सबको एक साथ कंसिडर कर लेंगे एक बार में पढ़ेंगे आज हो जाएंगे कुछ दो टॉपिक कुछ दो कल हो जाएंगे तो कल पूरा का पूरा साथ में रिवाइज भी कराऊंगी और उसके आगे जाएंगे फिर हम तो एक पूरा समरी एंड में बनाएंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पहले इंडिविजुअली पढ़ेंगे ठीक है तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फोर ऑर्गेनलीज फोर ऑर्गेनलीज फर्स्ट एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिक्युलम ना एंडो प्लाज्मिक बचपन से पढ़ रहे हो शॉर्ट फॉर्म में आगे सब जगह ई आर लिखेंगे इसको इसको सब जगह ई आर लिखेंगे ठीक है दूसरा गोल्जी बॉडीज गोल्जी बॉडीज या आप इसको डिक्टिजोम के नाम से भी जानते हो आती है उसमें क्या डिफरेंस है गोलजी बॉडी थर्ड लाइसोसोम्स एंड फोर्थ वैक्यूल ठीक है ये चार ऑर्गेनली आपके पास आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में अब वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं था ठीक है एनिमल सेल में क्योंकि आपके पास वैक्यूल नहीं है तो प्लांट में तो चलो हम चारों बोल देंगे बट इन एनिमल सेल्स हम ज्यादातर एक और टर्म का वर्ड मतलब यूज करते हैं अन अदर एनिमल सेल के अंदर एंड दैट इज ओन एज जी ई आर एल गर्ल सिस्टम दिस जी स्टैंड फॉर गॉल्जी ई आर तो आप जानते ही हो क्या है एल स्टैंड लाइजोजोम क्योंकि आज सच कोई बहुत बड़ा वैक्यूल का प्रेजेंस नहीं है हमारे पास एनिमल सेल में दूसरा एक और चीज कि वैक्यूल का इतना इंटरकनेक्टेड फंक्शन भी नहीं है इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड फंक्शन भी नहीं है वैक्यूल का तो उसको थोड़ा हम साइडलाइन ही लेके चलते कर नहीं करते कॉमन पॉइंट द होल एंडो मेंब्रेन सिस्टम ऑल दीज ऑर्गेनलीज आर ऑल ऑर्गेनलीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एक अकेले सिंगल बाउंड स्ट्रक्चर ये है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या हुआ अ अ सिंगल सिंगल फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड बायलेयर जब भी सिंगल मेंब्रेन बोला गया सिंगल कंप्लीट दोनों साथ में क्योंकि अकेला मेंब्रेन नहीं एग्जिस्ट कर सकता है अंटल एंड अंदर सिर्फ फैट लिपिड हो ठीक है फैट या लिपिड हो तो चीजें जो देखो जो चीजें लिपिड में सॉल्यूबल है थिंग्स दैट आर सोल्यूबल इन लिपिड्स कैन ईजिली डिफ्यूज थ्रू दिस एरिया आप देखो ना इसके थ्रू आराम से निकल सकती है चीज ट्रांसपोर्ट चैप्टर में आता है ये पॉइंट लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट यहीं पे दे रही हूं कि कोई भी चीज जो लिपिड में सोल्यूबल है वो तो मेम्ब्रेन के थ्रू ही निकल जाएगी उसको कुछ चाहिए ही नहीं ट्रांसपोर्ट कराने के लिए लेकिन जो चीजें पानी में सोल्यूबल है और मेजोरिटी चीजें पानी में सोल्यूबल है आपकी यूनिवर्सल सॉलिवेंट है है ना मैक्सिमम थिंग्स आर थिंगबल इन वॉटर सो फॉर देट ट्रांसपोर्ट वी रिक्वायर दीज प्रोटीन नहीं तो प्रोटीन की जरूरत नहीं होती अगर हर चीज लिपिड में सॉल्यूबल हो होती और अगर हर चीज लिपिड में सॉल्यूबल हो होती तो ये शायद मेम्ब्रेन काम ना करती मेम्ब्रेन पर पानी की बनी होती ठीक है हाँ ऊपर आगे आपका पिन कर दिया बेटा द लिंक इज पिन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के क्वेश्चन होंगे ठीक है कुछ अलग अलग पॉइंट्स भी हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शनिंग इज टेकन इन लॉट ऑफ डिटेल्स इन ट्रांसपोर्ट चैप्टर चिंता मत करो वहां पे प्रोटीन की कहानी सब कुछ बहुत डिटेल में आएगा चलो स्टार्टिंग विद एंडो प्लाज्मिक रेडी दिस इज हाउ इट लुक्स फर्स्ट हेडिंग एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब क्या है बचपन से पढ़ रहे हो रेटिकुलम का मतलब क्या होगा बचपन से पढ़ रहे वैसे आंख बंद करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हाट डू यू मीन बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्ड को थोड़ा ब्रेक द वर्ड एंड फाइंड द मीनिंग क्या मतलब होगा जरा बताना कमेंट सेक्शन में एंडो मीनस इन साइड इनसाइड द प्लाज्मिक एरिया साइटो प्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क अगर अनाटमी याद हो रेटिक्यूलेट मेनेशन नेटवर्क लाइक हम हमेशा रेटिकुलेट वर्ड यूज करते हैं फॉर नेटवर्क सो इट इज इंटरनली एक नेटवर्क है मेमब्रेन का ठीक है तो अंदर इसने इतना सॉलिड जाल बिछाया हुआ है अगर आपको प्लाज्मो डिसमैटल कनेक्शन हमने कल वाली क्लास में पढ़े थे सेल वॉल समझाते टाइम तो आपने देखा था कि एक सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरे सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक कनेक्ट कर जाता है सो ऑलमोस्ट इट इज कंप्लीटली फेलोइंग इन एवरी डायरेक्शन इट कैन है कि नहीं हर डायरेक्शन में फैल रहा है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पॉइंट नंबर वन पे भी लिख देती हूं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ड्रॉइंग द डायग्राम लेबलिंग इट आउट एंड ऑल्सो राइटिंग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम डिवाइड्स डिवाइड्स द सेल इन ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट्स और कैविटी कैसे ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है ये आपका न्यूक्लियस न्यूक्लियस से आ रहा है ई आ रही है इधर से पहुंचा इधर इसे, इसे। ये पूरा पार्ट ई ER आर ने कवर कर लिया बेटा पार्ट ऑन द इन साइड इज ऑल कवर्ड येलो वाला पार्ट है येलो पता नहीं कितना दिख रहा है तुम लोगों को तो जो पार्ट अंदर की तरफ आएगा ई ER आर में उसे हम कहते हैं ल्यूमिनल पार्ट और जो साइटोप्लाज्म बच गया उसे हम कहते हैं एक्स्ट्राल्यूमिनल पार्ट क्यों क्योंकि तो अंदर जो रहता है उसको हम कहते हैं ल्यूमिन ल्यूमिन क्या है जो ईआर ER के अंदर आ गया पार्ट जो बाहर रह गया ये साइटोप्लाज्म वाला पार्ट इसको हम कहते हैं एक्स्ट्राल्यूमिनल ठीक है तो ल्यूमन इज द ल्यूमिनल पार्ट साइटोप्लाज्म इज द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट तो पूरा सेल दो हिस्सों में टूट गया पहला जो अंदर आ गया है ई ER आर के और दूसरा जो बाहर रह गया ER के बस और बाहर क्या रह रह गया गया साइटोप्लाज्म वाला एरिया सो इट्स क्वाइट अ बिग इलाबोरेट स्ट्रक्चर दैट वी हैव सेकंड इंटरनली इतना बड़ा मेम्ब्रेन का सिस्टम बनाए बैठे हो तो ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू सपोर्ट एंड सम स्ट्रक्चर ठीक सो इट प्रोवाइड्स इड स्ट्रक्चर एंड शेप फ्रॉम द इनसाइड इंटरनली बाहर से नहीं बाहर के लिए तो वॉल थी सेल किसके पास एनिमल प्लांट सेल के पास एनिमल सेल के पास नहीं है वो वॉल तो ये काम कर रहा होगा अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मेंटेन करने का अगला पॉइंट एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम थर्ड पॉइंट इट इज ऑफ टू टाइप्स स्मूथ एंड रफ स्मूथ एंडो रेटिकुलम और रफ एंडो रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं वन इट हैज नो राइबोसोम्स, राइबोजोम्स दिस हैज राइबोसोम्स राइबोसोम सब अपने आप में एक अलग ऑर्गेनाली है उसके बारे में जब हम डिटेल में जाएंगे खुद बात करेंगे स्ट्रक्चर बना रहे स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान देना अगर ये आपका बेटा न्यूक्लियस है देखो ये ना है ना न्यूक्लियर वॉल न्यूक्लियर वॉल का बाहर वाला लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर अंदर है एक पार्ट और एक बाहर है लेयर दिस इज न्यूक्लियस ठीक है, न्यूक्लियस बनाया है न्यूक्लियस का अंदर की तरफ एक पार्ट है बाहर की तरफ एक पार्ट अरे यार मैं ना इसको दूसरे पेज पे बना रही हूँ तो, तो एक ही पेज पे आ जाएगा चलो पीछे नेक्स्ट वाले पेज पे बना देती हूँ देखो दिस इज योर न्यूक्लियस ठीक है इस न्यूक्लियर से ही बाहर की तरफ मेरे पास आ जाता है ठीक है और थोड़ा डाइवर्स करना है तो और डाइवर्स कर सकते हैं

क्या एकदम दो सौ किलोमीटर लंबा तुमने मेरे को मैसेज लिखा है और उसमें कुछ भी काम का नहीं लिखा पुराने वीडियोस नहीं दिख रहे तुमको कौन सी दुनिया में हो भाई हो डायग्राम बना लो सॉरी आई मीन क्या सारे वीडियोस हैं ड्राम में मत करो पढ़ना वढ़ना नहीं है तो बताओ मेरे को फिर ठीक है डन गुड नाउ द डायग्राम दैट वी हैव हियर इट हैज़ डिफ़रेंट कॉम्पोनेंट्स कॉम्पोनेंट्स में क्या आ जाएगा दो तीन कॉम्पोनेंट्स अलग अलग कलर के बना रही हूँ ऑब्वियसली वहां कोई कलर का इतना वो नहीं है सिग्निफिकेंस नहीं है बट लेट जस्ट टॉक अबाउट अ फ्यू कलर्स योर ब्लैक से जो पार्ट बनाया गया है ये है आपकी न्यूक्लियस ठीक है दिस इज न्यूक्लियर मेम्रेन यहां में लाइन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म आर जैसा कि आपको दिख रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर वाली आती है और ई आर में बदल जाती है ठीक है जबकि अपने आप में एक मेम्ब्रेन यहां पे देखो ऐसे ऐसे ना छोटे छोटे पार्ट्स कॉम्पोनेट बीच बीच में टूटा होता है दो लाइन एनसीआर में ही आएंगी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था इसलिए मैं यहाँ यह पे दोबारा बता रही हूं और बहुत ध्यान से सुनना द पॉइंट वन इज बच्चे ने बोला मैम एक जगह लिखा है एनसीआरटी में दैट दउटर आउटर मेम्ब्रेन इज डिस्कटिन्यूअस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मेबरिनटिन्यूअस एंड दूसरी जगह लिखा है दैट इट इज कंटिन्यूअस टू फॉर्म ई आर ठीक है अब दोनों वर्ड ठीक है दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो डिसकंटिन्यूस इसलिए बोल रहा है कि आउटर है न्यूक्लियस की वो जाके दूसरे वाले बाहर ये देखो इस वाले आउटर है ना बेटा बीच में गैप आ रहा है तो मैं अगर nucleus को ही देखूं तो देर इज गैप बिटवीन द टू में लेकिन वही आउटर में बाहर की तरफ निकलती है और कंटिन्यूसली ईआर ER बना जाती है ठीक है इट फॉर्म्स ई आर बाई कंटिन्यूइंग आउटवर्ड्स उसमें कोई ब्रेक नहीं आया है समझे ये बात ठीक है क्लियर अब जब वो बाहर की तरफ आई मेम्ब्रेन, तो उसने बनाया ई ER, आर जिसमें आप देख रहे हो बड़े बड़े फोल्ड्स, पैरेलल टू वन अनदर इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं दी स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्रिस्टेन सॉरी सिस्टर सिस्टर ने सिस्टर ने सिस्टर ने आ यूजली एज यू सी साइक इन पैरल टू ईच अदर ंग कैसे है एक के बाद एक ऐसे बड़म ठीक दूसरा जो ये है आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है इनटू फॉर्मिंग ट्यूब्यूल्स द सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट दिस ईआर फॉर्म्स ट्यूब्यूल इज मोर ऑफ ट्यूब लाइक ट्यूब लाइक एंड इज ब्रांच ट्यूब जैसा होता है पैरल नहीं है ब्रांच है आप एनसीआरटी में भी देखोगे तो एक डायग्राम दिया हुआ है आपको एनसीआरटी वाला डायग्राम एनसीआरटी वाला डायग्राम चलो पीछे देखो इस डायग्राम को देखो लुक एट दिस ये देखो पार्ले -पार्ले ये से स्टैक जैसे पैरल पैरल अरेंज है ना पिंक वाला पार्ट दिस इज सिस्टर ने एज आगे आगे देखो ऐसे ट्यूब जैसा दिख रहा है हॉलो हॉलो ट्यूब्स दिख रहे हैं दिस इज टिब्यूल्स और आप ये चीज बहुत क्लियरली देख सकते हो कि सिस्टर्ने के ऊपर राइबो राइबोसोम्स हैं राइबोसोम्स हैं अगर प्रेजेंट तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा इसका मतलब टिब्यूल्स डीज आर फॉर्मिंग रफ ई आर इट दिस फॉर्म्स स्मूथ ईआर रफ और स्मूथ किसके बेसिस पे इफ आई हैव राइबोसोम्स अटैच्ड और नॉट ठीक है तो राइबोसोम्स आपके पास बेटा ई ER आर पे भी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के वॉल आउटर वॉल पे भी अटैच्ड हो सकते हैं और उसके साथ साथ इधर भी अटैच्ड हो सकते हैं अब देखो अटैच होने के लिए कुछ तो चाहिए ना किस चीज से जुड़ोगे वहां तो कोई फेविकॉल है नहीं तो कोई ना कोई प्रोटीन हेल्प कर रहा होगा इस चीज में सो ने पार्ट फॉर्म्स रफ एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम टू विच राइबोजोम्स आर अटैच्ड एंड दीज राइबोजोम्स आर नथिंग बट 80s ribosomes, 70s की बात करी थी हमने प्रो में वैसे ही 80s भी होता है और एस क्या होता है इसके बारे में में डिटेल आ जाएंगे हम ribosomes को पढ़ते वेरी ग्रैन्युलर okay, तो रफ एंडोप्लाज्मिक प्लाजमिक रेटिक्यूलम वन हैज 80s राइबोसोम्स अटैच्ड नंबर टू किससे अटैच करेगा ये एटी एस राइबोसोम्स यहां पर यूजली एक प्रोटीन की मदद से अटैच होते हैं द प्रोटीन दैट वी हैव दैट हेल्प इन अटैचमेंट दैट हेल्प इन अटैचमेंट आर राइबो फोरिन, वन एंड टू राइबो फोरिन, राइबो राइबोजोम्स के लिए ठीक है राइबो एंड फोरिन लाइक स्टॉक डंडी राइबो फोरिन वन एंड टू विल होल्ड कौन सा राइबोजोम एट्टी एस राइबोजोम्स और एट्टी एस राइबोजोम्स राइबोजोम्स आर डिवाइडेड इनटू टू सब यूनिट्स राइबोसोम के स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगी मैं चिंता नहीं ठीक है चिंता नहीं अटैच्ड दे हैव टू सब यूनिट्स और वो मैंने आपको देखो डायग्राम बनाया मोटू वाला पार्ट नीचे रखा है लार्जर सब यूनिट से अटैच होता है लार्जर सब यूनिट से अटैच होता है ठीक है अगला पॉइंट अटैच है तो इट अपीयर्स रफ इन अपीयरेंस इट इज ग्रैन्यूलर अब मस्त बात देखो प्रोटीन बनाने का एक्चुअल काम राइबोसोम का है प्रोटीन मशीनरीज या प्रोटीन फैक्ट्रीज हम राइबोसोम्स को बोलते हैं दीज राइबोसोम्स ठीक है दीज राइबोसोम्स आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस अपना प्रोटीन बनाने वाला काम कर रहा है बेटा बैठ के यहाँ पे तो इसने जो एरिया लिया हुआ है ना उस एरिया का काम भी प्रोटीन सिंथेसिस हो गया जैसे होता है ना सिटीज बड़े सिटीज में दो पार्ट्स होते हैं एक होता है रेजिडेंशियल एरिया एक होता है, है, है इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल एरिया में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वगैरह आपके रखे होंगे क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्रीज के आसपास घर नहीं बनाते रेजिडेंशियल एरिया इज डिफरेंट तो रेजिडेंशियल एरिया इज जहाँ रेजिडेंट्स रह रहे हैं रहने वाली जगह इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे इंडस्ट्री है तो उस पूरे एरिया को आप इंडस्ट्रियल एरिया बोल रहे हो ना ऐसे ही मेन काम प्रोटीन सिंथेसिस का राइबोसोम्स का है लेकिन हम आरई को भी वही बोल देते हैं फंक्शन प्रोटीन कूल। cool? अच्छा अभी कुछ क्वेश्चंस करने हो अगर इसके भी एंडो <coughs> तक के क्वेश्चंस, टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द क्लास दो बजे क्लास ठीक है दो बजे वाली क्लास है बेटा उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे सेल के तो आ जाना।

ग्रैन्यूलर दिखाई देता है ग्रेनी नहीं होता स्मूथ दिखता है ठीक है ऊपर जो चार्ट में जो लिंक पिन है उसी पे आई विल विल बी बी सॉल्विंग अ अ फ्यू फ्यू आई डिस्कसिंग एंडो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम तो प्रो कै हो गया है हमारा सेल वॉल हो गया है सेल मेम्ब्रेन हो गया है और ई ER आर भी हो जाएगा ठीक है ओके थर्ड पॉइंट फंक्शन इसके बहुत सारे फंक्शन आ जाएंगे बेटा फंक्शन फंक्शन नंबर वन सिंथेसिस ऑफ लिपिड लिपिड बनाएगा सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड ठीक है, आपके कुछ हॉर्मोन्स हैं जो स्टेरोल ठीक है स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन ठीक है टेस्टोस्टेरोन मोस्ट ऑफ योर हॉर्मोन्स जो क्या नाम है स्टेरोल में आ जाते हैं लिपिड्स में आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाता है कौन बना रहा है एसईआर -E बना रहा है ठीक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है इसके नीचे लिख भी देती हूं एसईआर एंड दिस इज आर ई आर है ना अब एक तो काम ये हो गया दूसरा काम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स कोई भी फॉरेन चीज आई है कोई भी फॉरेन चीज आई है उसको हमें डिग्रेड करना है ठीक है आप अपने आप इमेजिन करो कौन सा आपका ऑर्गन ऐसा है जो कोई भी हार्मफुल कंडीशन को ब्रेक डाउन करता है एक्सक्रीट आउट नहीं कर रहा है ब्रेक डाउन कर रहा है ठीक है आपने सुना होगा जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हैं उनका फैटी लिवर हो जाता है बिकॉज लिवर इज वर्किंग ओवर टाइम है ना तो इट इज द लिवर दैट इज यूजुअली टेकिंग केयर ऑफ द टॉक्सिंस इन योर बॉडी एंड ब्रेकिंग इट डाउन इनटू नॉन टॉक्सिक फॉर्म्स सो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स कौन करा रहा है एसआर इसका मतलब लिवर के सेल्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको एसआर मिलेगा एग्जांपल लिवर सेल्स अपने आप लॉजिक से लॉजिक निकलता चला जाता है चीज होगा अगर ढूंढो तो वरना रटने को तो रट ही सकते हैं ठीक है नेक्स्ट चीज ये हुआ मेन पॉइंट डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एक तरीके से और किया जाता है है कैसे कर पाता है ये वो काम हाउ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स टेक प्लेस इन एस सी आर एस सी आर के मेम्ब्रेन में ना बेटा इसके मेम्ब्रेन में हमारे पास एक स्पेशल कंपाउंड होता है कहलाता है साइटोक्रोम पी सिक्स फोर्टी ये कंपाउंड है जो एस के मेम्ब्रेन में घुसा हुआ है ठीक है जैसे हमारे पास यहां था ये हमने तो यहां प्रोटीन दिखाया था ना नॉर्मल अब ये दिखाए थे हमने नॉर्मल बट आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑल्सो जो प्रोटीन और शुगर वगैरह का कॉम्बिनेशन बन के बैठे हो सकते हैं तो वो होते हैं दैट इज वन ऑफ दैट कंपाउंड इज साइटोक्रोम पी सिक्स फोर्टी ये हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ये तोड़ने में हेल्प करेगा आपका किसको ड्रग्स को यहां तक लिख लिया एनसीआरटी में इनफैक्ट आपका डायग्राम भी काफी अच्छा बनाया हुआ है जिसके अंदर आपको प्रॉपरली एस और आर में डिफरेंस दिख सकता है अगर देखना चाहो तो ठीक है हाँ इसके अलावा आ जाओ अगला नेक्स्ट पॉइंट सिक्स फोर्टी नहीं 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 अरे फोर फिफ्टी है फोर फिफ्टी आएगा चार सौ बीस से थोड़ा ऊपर याद किया था ठीक है हाँ अब आ जाओ अगले पॉइंट पे नेक्स्ट पॉइंट डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉल देखो बेटा ये लिवर सेल्स में ज्यादा जहां पे डिटॉक्सिफिकेशन होना है एक जगह पे एस के अंदर बहुत ज्यादा हम कैल्शियम भर देते हैं ठीक है कहा मसल सेल्स में मसल सेल्स में हम बहुत ज्यादा कैल्शियम स्टोर करके रखते हैं एस में आप लोग जुअलॉजी में पढ़ोगे इसको इसका प्रॉपर फंक्शनिंग दैट ड्यू टू ई फ्लक्स कैल्शियम बाहर जाना और कैल्शियम अंदर आना ये बाहर जाना और अंदर आना में देर इज रिलैक्सेशन कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल सेल्स ठीक है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल सेल्स और ये हाई कैल्शियम कंटेनिंग हाई कैल्शियम आयन कंटेनिंग एस कॉल्ड रेटिक्यूलम सार्को प्लाज्मिक रेटिक्यूलम सीन इन कौन से सेल्स मस्कल सेल्स मस्कल सेल्स ठीक है क्लास में पहुंचना दो बजे क्लास है डोंट फॉरगेट बी देयर टाइम ताकि हम लोग इनिशियली एटलीस्ट इतने पार्ट को रिवाइज कर सके फिर संडे को तो मैं क्वेश्चन कराऊंगी पूरे चैप्टर के तो हो तो ही जाएगा ठीक है बच्चा क्लियर चलो आगे हम्म <laughs> हम्म दिस इज विदर अब मैम ये छोटे छोटे रह गए ये क्या है द स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर द थर्ड स्ट्रक्चर जैसे यहां सिस्टर ने हो गया था ट्रिब्यूल्स हो गए थे ये लास्ट वेसिकल्स वेसिकल्स क्या है दे कैरी सिक्रेशन ठीक है अब क्या होता है ना बेटा प्रोटीन और लिपिड हमारे पास आरई आर और एसीआर पे बन रहा है ठीक है लेकिन यहां पे पूरा नहीं बनता ये थोड़ा सा मॉडिफाई होना है एक तरीके से आप कह सकते हो कि हाफ बॉइल्ड नूडल्स जैसा है चौमिन नहीं बनी अभी हमारी पूरी है ना हमारे नूडल्स नहीं बने बस उनको बॉइल करके रख दिया पास्ता नहीं बनाया अभी सिर्फ बॉयल करके रख दिया पराठे नहीं बने आटा गूंद के रख दिया ठीक है सो मेन प्रोसेस यहाँ शुरू हो गया था प्रोटीन बन चुका है यार माइनो एसिड चेन इज देयर लिपिड का सिंथेसिस हो चुका है बट अ लिटिल बिट मोर मॉडिफिकेशन टू मेक इट फंक्शनल टू मेक इट यूजफुल उसको हम आगे भेजते हैं गोल्जी में ठीक है कुछ चीजें शायद हो सकता है पूरी भी बन गई हो अब आप बोलोगे नहीं मैं कच्चा टाइप खाऊंगा मेरे को उबले हुए नूडल्स दी खाने है खाली होते हैं ना कुछ बच्चे मैगी बना मेरी एक फ्रेंड थी मैगी बनाते बनाते आधा पैकेट मैगी ऐसी खा जाती थी कच्चा अच्छा लगता है जो भी है ठीक तो अगर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो रेडी हैं, है दोन मी रिलीज आउटिकल ऑफर जो कि आपके आरई आर या ए सी आर हो सकता है एसीआर से निकला है तो लिपिड स्टेरॉल लेके निकला होगा आरई आर से निकला है तो प्रोटीन लेके निकला होगा ठीक है लेकिन अगर फर्दर मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो इसका अभी भाई चचेरा भाई बैठा है आगे लाइन में कौन ये कल जी नेक्स्ट लाइन में यही है ठीक है तो अगला चीज पहुंचेगी गोलजी के पास गोलजी के पास पहुंचाएंगे वेसिकल की मदद से सो इट मे बी कैरिंग सम प्रिकर्सर प्रिकर्सर क्या होता है अभी काम हुआ नहीं है पूरा उससे पहले रॉ मटेरियल हो गया इट मे कैरी सम प्रसर फ्रॉम ह्योर टू द नेक्स्ट गोलजी और सम अदर पार्ट वेयर इट हैज टू बी मॉडिफाइड तो वेसिकल्स ज्यादातर कैरी कर रहे हैं एसीआर से कैरी करेंगे तो स्टेरॉल लिपिड होगा और इधर से कैरी करेंगे तो प्रोटीन होगा ठीक है और डिटेल में सारी चीजों को कनेक्ट करते हुए कल की क्लास दौड़ाते हुए हम चलेंगे आगे ठीक है चलो दो बजे मिलेंगे मेक श्योर यू आर देयर बाकी तो अपने पास हाँ ठीक है एक पॉइंट और लिख सकते हो ओ हाँ एक पॉइंट और लिख सकते हो वेसिकल्स ओनली स्ट्रक्चर ऑफ ई आर इन सबसे मस्त बात पता है क्या है न्यूक्लियस की बाहर वाली वॉल से बनता है न्यूक्लियस की बाहर वाली मेमरेन एक्सटेंड करती है ई ER आर बनने हुए लेकिन इमेजिन करो अगर कर न्यूक्लियस ही ना हो तो इफ आई डोंट हैव न्यूक्लियस देन वॉट विल happen? अगर मेरे पास न्यूक्लियस नहीं है तो मैं ये पूरा नेटवर्क बनवा ही नहीं सकती जैसा कि मेच्योर आरबीसी मेच्योर आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस। तो ई ER के नाम पे वो अपने पास क्या लेके जाएगा वेसिकल ठीक है इट विल कैरी वेसिकल्स टू रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट ई आर ठीक है तो एक छोटा थो, सा पॉइंट जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ इट तीन कॉम्पोनेंट आएंगे सिस्टर ने एंड वेसिकल्स एस आर के मेन फंक्शन याद रखने हैं बेटा इन्हीं से लिंक्ड आगे चीजें क्वेश्चन आते हैं ठीक है दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी हैव एंडोप्लाज्मिक प्लाजमिक रेटिक्यूलम ओके मेक श्योर ऊपर लिंक दिया हुआ है क्लिक कर लेना वी विल बी सॉल्विंग अराउंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन टिल एंडो प्लाज्मिक रेटिक्यूलम टूडे एट टू पी एम आपके पास टाइम दे रही हूँ खाना वाना खा लो आकांक्षा मैम के भी क्लास है शायद उनकी क्लास अटेंड कर लो उसके बाद दो बजे हम मिलेंगे दो बजे आई विल बी टेकिंग क्वेश्चन ऑफ ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ऑफ़ सेल एंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ऑफ़ सेक्ल रिप्रोडक्शन इन फ्लारिंग प्लांट्स देखना चाहती हूँ तुम कितनी नींद में हो क्योंकि दो बजे की क्लास इसी टाइम होगा बेटा पेपर सोते ना मिलना मुझको पेपर में तुम लोग ठीक है चलो दिस इज योर टेलीग्राम आईडी पीडीएफ भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और सारे स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस के जितने भी लिंक्स हैं वो भी मैं इस पे आपको अपलोड कर दूंगी अभी दे दूंगी ठीक है आइकॉनिक और प्लस दो टाइप के कोर्सेज कोर्सेजेडमी आपको प्रोवाइड करता है मोर इंटरक्टिव एंड डाउट क्लियरिंग सेशन योर इनके साथ साथ अकेडमिकली और नॉन अकेडमिक हेल्प

कब से कब तक दस से सत्रह तक बस अब पंद्रह तारीख से शुरू कर रही हूं मैं फिफ्टींथ नवंबर यू ऑलरेडी नो वी आर स्टार्टिंग पे ठीक है डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड थोड़ा हमको भी बताने दो अपनी टीम को कि हमारी बात सुनता है कोई ठीक है पता चला दी जनता बात ही नहीं सुनती है तो सब को यू बस दो दो टीचर तीन टीचर की बात सुनते हैं ऐसा नहीं है तो अगर इफ़ यू आर रेगुलर टू माई क्लास एंड यू आर टेकिंग सब्सक्रिप्शन यू वॉन्ट टू स्टडी मोर इंटरक्टिवली मोर डाउट क्लियरिंग के साथ साथ आप पढ़ना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन मी देन इसके अलावा चौदह तारीख को एक बड़ा मस्त पेपर रखा है ठीक है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है बेटा रिवाइव 2022 के एस्पिरेंट्स इसके लिए अपियर कर सकते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी वाले भी दे सकते हो यार कोई टेंशन नहीं है वी हैव अ लॉट ऑफ सब्सक्रिप्शंस एंड स्कॉलरशिप्स टू बी वन और टॉप टेन वालों को तो और ज्यादा ही मजेदार पार्टी हो जाएगा उनका ठीक है तो दिस इज योर चिल्ड्रंस डे गिफ्ट पेपर दो दो तारीख को गिफ्ट लेने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना तो दो तारीख ये चौदह तारीख को पेपर देना है दो बजे कोमल लाइव इज योर कोड डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बेटा आपको यूज दिस कोड एंड बहुत सारे नए नए बैचेस भी आ गए हैं इसके अलावा एक और पेपर है संडे को ही होगा कॉम्बैट बैट साढ़े ग्यारह बजे दिस इज ऑल्सो स्कॉलरशिप एग्जाम तो दो स्कॉलरशिप एग्जाम हो रहे हैं ये ध्यान रखना देयर टू स्कॉलरशिप एग्जाम्स हैं 11:30 पे और एक दो बजे ठीक और उसके बीच में हमारी एकदम टिंगू सी क्लास हो जाएगी सेल की सेल का एनसीईआरटी रीडिंग ठीक है तो बजा के रखना घर पे डेटा अपना इधर-उधर ये इंस्टा इंस्टा पे मत खत्म करना छोटा सा फटाफट से एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ सेल चैप्टर क्योंकि सेल हम कंप्लीट कर देंगे तब तक ठीक ओके कोमल लाइव इज द कोड फॉर सेम आप कॉम्बैट के लिए भी सेम कोड यूज कर सकते हो 28 क्वेश्चन होंगे फोर्टी फाइव मिनट्स डू नॉट फर्गेट एंड डी पी पी का प्रॉब्लम ऑल्सो सॉल्व मंडे टू थर्सडे तीस मिनट तीस क्वेश्चन जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करो कोमल लाइव कोड लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो ठीक है थैंक यू सो मच आई विल कंटिन्यू विद गॉलजी ऑपरेटर्स एंड अदर टू ऑर्गेनलीज इल्फ नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं वेरी वेरी क्विकली विल कवर डर छोटे छोटे टॉपिक्स है लाइक शेयर सब्सक्राइब आई दी डी एफ दो बजे लिंक दिया हुआ है चार्ट में ऊपर आई वॉन्ट यू टू गो एंड एन रोल जिन बच्चों ने अभी तक अनकाडमी का लर्निंग एप डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड करो ज्यादा किसकी किस क्लास अटेंड करनी है कोमल लाइव के कोड एंड आई विल सी यू इन क्लास ठीक है थैंक यू सो मच भी क्लास है दो बजे एंड देन सिक्स थर्टी फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्लारिंग प्लांट्स पॉलिनेशन कम्प्लीट करेंगे बेटा और एन रीडिंग भी मैं कराऊंगी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की इन फ्लॉरिंग प्लांट्स की स्पेशल uh, क्लास पे ही ठीक है सारा का सारा अपडेट मैं अभी थोड़ी देर में टेलीग्राम ग्रुप पे भेज रही हूँ ऑल्सो यू विल फाइंड इट इन द कम्युनिटी पोस्ट तो डोंट फोरगेट टू सब्सक्राइब क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट में ही सारे अपडेट्स आते, है, आते हैं सारे लिंक्स आते हैं स्पेशल क्लास के स्पेशल क्लासेज ऑफ फ्री क्लासेज ऑफ एन अकेडमी ठीक है एप्सोलूटली फ्री थैंक यू सो मच आई विल सी यू जस्ट इन अबाउट वन आवर एंड